हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि जब भी किसी भी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करना हो उस समय उस प्रॉपर्टी पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस किस तरह से कैलकुलेट की जाएंगी। मान लो कि अगर हमारी एग्रीमेंट की टोटल वैल्यू 5,000 रुपये है, मगर उस जगह के या उस एरिया के हिसाब से उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 6,000 रुपये हो रही है और उस एरिया की स्टैम्प ड्यूटी 5% और रजिस्ट्रेशन फीस 1% है, तो इस सिचुएशन में हमें 6,000 × 5 करना है, जिसका टोटल कैलकुलेशन 6,000 × 5 30,000 होता है। फिर हमें 30,000 डिवाइडेड बाय 100 करना है, तो उसकी निकलने वाली टोटल स्टैम्प ड्यूटी ये 300 रुपये होगी। और इसी हिसाब से अगर हमें 6,000 पे 1% रजिस्ट्रेशन फीस निकालना है, तो 6,000 × 1 करेंगे, 6,000 × 1 6,000 ही होता है, और फिर बाद में उस 6,000 को डिवाइडेड बाय 100 किया जाएगा, तो उसका रजिस्ट्रेशन फीस ये 60 रुपये होगी। इस तरह से उस ट्रांजैक्शन के लिए टोटल लगने वाली स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस 360 रुपये होंगी। थैंक यू।